afternoon, salam, namaste, sat sri akal. This is Pallab Ghosh from Radiance Media. I'm with Dr. Datta, and this is in continuation to what Ajit was asking. Dr. Datta, my obvious question is, when such initiatives are taken, first of all, you mentioned a lot of times that such events are very essential, very important, and apart from politics and all that, such events are very important, number one, absolutely. Number two, when such events are initiated, we often see that the participation of the common people are either bleak, or they come and then they forget, because in our country the one biggest problem is you have to spoon fed these things. What do you have to say about this, and how is this initiative taking actually? Well, मैं एक चीज जानता हूँ और एक चीज समझता हूँ कि बूंद बूंद पानी से सागर बनती है जी. मैं अगर कोई पर्यावरण को लेकर कोई आयोजन अगर मैं करवा रहा हूँ और उस पे बेशक एक व्यक्ति ही क्यों ना आए मेरे उस कार्यक्रम पे, मैं समझूंगा कि वो व्यक्ति एक बूंद पानी का काम कर रहा है. और वो व्यक्ति जो लगातार दूसरे व्यक्ति को बताएंगे इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के बारे में, इसी तरह से एक चेन रिएक्शन होता है और इसी तरह से तो समुद्र बनती है. जब नदी के शीतल जलधारा जब अंतिम जगह पे जब जाती है और समुद्र में मिलती है, तो वही जलधारा जाके समुद्र में जाके एक नया चीज का निर्माण करती है. तो इसी तरह से मतलब कि इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग इट इज मच बेटर दैट वी डू इट. एब्सोल्युटली, यू नो, एंड वंस वी डू इट, माइट बी टुडे वी माइट हैव 1% और 2% कमिंग फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट्स एज सच, पर जब एक एक करके जब आएंगे ना, और जैसे कण कण से आपका एक तरह से पहाड़ बनता है या झील बनता है, उसी तरह से हर व्यक्ति कण कण का काम करेंगे, हर व्यक्ति बूंद बूंद जलधारा का काम करेंगे, और पूरे जैसे ये बूंद बूंद जलधारा चलता रहेगा या कण कण चलता रहेगा, अपने आप में एक हिमालय जैसा चट्टान बन जाएगा और हिंद महासागर जैसा एक विशाल समुद्र बन जाएगा. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर पहल, हर इनिशिएटिव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. ये जो पहले जो एक सोच थी, देयर वाज अ काइंड ऑफ अ थिंकिंग दैट एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग, एटलीस्ट दैट इज चेंजिंग नाउ. दैट इज चेंजिंग. पीपल आर असर्टिव अबाउट देयर राइट्स. People are assertive about their duties. You know, वो जो 5 साल का बच्चा जिसके बारे में मैंने उदाहरण दिया है कि वो जब एक कागज का टुकड़ा जमीन से उठा के कहीं ना कहीं पर डस्टबिन में फेंकता है, वो तो अगले 50 साल के लिए हमारे देश का ब्रांड एम्बेसडर बन गया ना, क्योंकि उसको पर्यावरण के बारे में इतना ज्यादा सक्षमता आ चुका है उसके सोच में, वो कभी भी पर्यावरण को डिग्रेड नहीं करेगा अपने जीवन में. यू नो, सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनकल्केटेड इन आवर कंट्री, एंड दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वांट्स. इट इज पीपल लाइक अस, इट्स पीपल लाइक यू, हम सबको मिलके एक चेन रिएक्शन बनाना है, उनके उंगली पकड़ के चलना है और उनके उंगली पकड़ के सबको ब्रांड एम्बेसडर बनना है पर्यावरण के लिए, और उस हिसाब से हमें चलने की आवश्यकता है. Right, and Dr. Datta, what I wanted to ask you is basically you go to so many places, you meet so many people. तो जब आप तरह तरह के जगह जाते हैं, लोग बाग से मिलते हैं, तो आपको कितना नजर आ रहा है कि चेंज आ रही है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्पून फिट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि स्वच्छता के लिए सीधी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री को रेडफोर्ट से बोलना पड़ता है, ओपन डिफिकेशन के बारे में बोलना पड़ता है, तो एक तरह से ये शर्म की बात है, इतने सालों बाद ये बोलना पड़ा है प्रधानमंत्री को. और जब वो बोलता है तो बजाय इसके कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये एक मुद्दा है. तो आप जहाँ जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, कितना चेंज आया है उस भाषण के बाद, जो आपने कहा कि उस दिन हनुमान मंदिर में उस सफाई अभियान के बाद कितना बदलाव आया है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बदलाव आया है और काफ़ी हद तक पीपल के लोगों के सोच में तब्दीली आई है, बट अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन. यू नो, लाइक आई मीन समथिंग विच वॉज मिसिंग फ्रॉम आर आइटिनरी 25 years back, you know, that is at least there in our itinerary now. Finally. And we think about it every day now as such, you know. So this is the change which has happened. And yes, as you have rightly said that, you know, like a lot more needs to be done. And I do understand that a lot more needs to be done as such. Whenever I go to any place, whenever I go to any gathering, and if I see that people are after having their lunch and after having their food, they just leave the plate there. I, as a responsible citizen of the country, what I do is like I pick up that plate and I go and keep it in the rightful place in the dustbin as such, you know. तब लोग जब देखते हैं कि एक अतिथि
या फिर एक चीफ गेस्ट या फिर एक गेस्ट ऑफ ऑनर अगर ये कर रहे हैं तो लोग गो की आँखों में शर्म आ जाती है और वो खुद भी करते हैं। मेरा बुनियादी मकसद है कि उनको नीचा नहीं करना है, मेरा बुनियादी मकसद है कि आपके दिमाग में जो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है विच इज़ देयर डॉर्मेंट इन योर माइंड विच इज़ देयर पैसिव इन योर माइंड यू नीड टू रीएक्टिवेट दैट एंड यू नीड टू मेक दैट एक्टिव एज सच एंड माई बाई डूइंग द सिंगल थिंग इफ द रेस्ट ऑफ द पीपल इफ दे फॉलो इट एंड इफ दे डू दैट तो मेरा मिशन तो वहीं पर कामयाब हो गया। इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के पॉपुलेशन कितना है। द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री इज 1,34,35 लाख, राइट? आउट ऑफ दैट 1,34,35 लाख 1 billion इज मैच्योर, यू नो, लाइक आई एम मैच्योर एंड हु हैज दैट पावर ऑफ थिंकिंग, हु हैज दैट पावर ऑफ सेंस एज सच एंड हु नोज कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये जो 1 billion प्लस पॉपुलेशन है उनसे मेरा गुजारिश है, उनसे मेरा अपील है कि व्हाई डोंट यू टेक दिस एज अ मिशन, द प्लेस वेयर यू स्टे, द हाउस वेयर यू स्टे, जस्ट नर्चर वन ट्री, एक पौधा को आप नर्चर कीजिएगा और वो जो पौधा है वो आपसे 6 महीने के लिए मदद नहीं मांगता है, वो आपसे 2 महीने के लिए मदद मांगता है जब तक वो सक्षम ना हो जाए, उसकी जड़ जब तक सक्षम ना हो जाए। इफ 1 billion प्लस पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री इफ ही और शी यू नो नर्चर्स इन वन ट्री एज सच, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड बी द फॉरेस्ट कवर ऑफ अ कंट्री एज सच। सो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द पेंडोरा बॉक्स एज सच, यू नो, एंड द डे वी थिंक ऑन दोज लाइन देयर वुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट। राइट, राइट। सो दिस वाज डॉक्टर दत्ता, दिस इज पल्लव घोष साइनिंग आउट फॉर यू।